रातों रात हो गया अद्भुत चमत्कार। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आखिर कैसे बदल गई भगवान राम की मूर्ति के भाव। मूर्ति बनाने वाले भी रह गए हैरान। जब हो रहा था भगवान राम की मूर्ति का निर्माण तो दर्शन करने सुबह शाम आते थे हनुमान। मूर्ति बनाने वाले योगी राज ने सुनाया चमत्कारी किस्सा। मूर्ति बनाने वाले योगी राज ने सुनाए रामलला से जुड़े दो चमत्कारी किस्से जिन्हें सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। अयोध्या राम मंदिर में विराजमान रामलला की मूर्ति देश के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई है। साथ ही वह पहले शख्स हैं जिन्होंने रामलला के विग्रह को तैयार करने के बाद सबसे पहले देखा। रामलला के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति को बनाने वाले मशहूर मूर्तिकार योगी राज से उनका अनुभव और तमाम तरह के सवाल पूछे गए। एक इंटरव्यू के दौरान योगी राज ने ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए जिनसे हर कोई हैरान रह गया। जी हां, इस 3 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे रामलला से जुड़े दो चमत्कारी किस्से जिनका खुलासा रामलला की मूर्ति बनाने वाले योगी राज ने अब आकर किया है। चलिए जानते हैं पहला चमत्कार। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आखिर कैसे बदल गई भगवान राम की मूर्ति की छवि। मूर्ति बनाने वाले अरुण योगी राज ने एक निजी चैनल से बात करते हुए इंटरव्यू में कहा कि यह कार्य उन्होंने खुद नहीं किया, भगवान ने उनसे करवाया है। वह कहते हैं कि जब वो रामलला की मूर्ति को गढ़ रहे थे तो रोज उस मूर्ति से बात करते थे। वह कहते थे कि प्रभु बाकी लोगों से पहले मुझे दर्शन दे दो। योगी राज की माने तो जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उन्हें लगा ही नहीं कि वह मूर्ति उनके द्वारा बनाई गई है, उसके हाव भाव बदल चुके थे। इस बारे में योगी राज ने लोगों से कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि एक मूर्ति उनके द्वारा बनाई गई है। साथ ही उन्होंने यह भी खुलासा किया कि अगर वह कोशिश भी करें तो इस तरह की मूर्ति दोबारा नहीं बना सकते। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने आगे बताया कि जब मैंने मूर्ति बनाई तो वह अलग थी, गर्भगृह में जाने और प्राण प्रतिष्ठा के बाद वह अलग हो गई। मैंने 10 दिन गर्भगृह में बिताए, एक दिन जब मैं बैठा था तो मुझे अंदर से लगा कि ये तो मेरा काम है ही नहीं, मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। चलिए आपको बताते हैं दूसरा चमत्कारी किस्सा। रामलला के दर्शन करने रोज आते थे पवन पुत्र हनुमान। जी हाँ, मशहूर मूर्तिकार योगी राज अपने अद्भुत अनुभवों को बताते हुए आगे कहते हैं कि मूर्ति बनाने के दौरान हर रोज एक बंदर शाम को 4 से 5 बजे के बीच उसी जगह आकर बैठ जाता था और वह देखकर चला जाता था। ठंड में हम दरवाजा बंद करने लगे, जब उसने ऐसा देखा तो वह तेजी से दरवाजा खोलता और अंदर आता, देखता और चला जाता। शायद उनका भी देखने का मन होता होगा। अब सोशल मीडिया पर लोग यह अंदाजा लगा रहे हैं कि यह बंदर कोई और नहीं बल्कि भगवान राम के सेवक पवन पुत्र हनुमान थे जो अपने आराध्य रामलला की सेवा करने आते थे। योगी राज से पूछा गया कि क्या उन्हें सपने भी आते हैं कुछ, तो उन्होंने कहा कि वह पिछले 7 महीने से ढंग से सो ही नहीं पाए, इसलिए वह इस बात पर कुछ नहीं कह सकते। उनके जहन में हमेशा था कि जो वह कर रहे हैं वो देश को पसंद आना चाहिए। अयोध्या राम मंदिर में विराजमान रामलला की मूर्ति देश के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई है। साथ ही वह पहले शख्स हैं जिन्होंने रामलला के विग्रह को तैयार करने के बाद सबसे पहले देखा। रामलला के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति को बनाने वाले मशहूर मूर्तिकार योगी राज से उनका अनुभव और तमाम तरह के सवाल पूछे गए। एक इंटरव्यू के दौरान योगी राज ने ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए जिनसे हर कोई हैरान रह गया। अब योगी राज के इन अनुभव और रामलला के इन चमत्कारी किस्सों के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।